है कि इसकी आवश्यकता सब सिनेमा बनाने वालों को है, खास करके मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, अमूमन उसी में हूँ अभी, तो वहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है। सिनेमा बनाने का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अनुभवहीनता हमेशा चीज़ों को बिगाड़ देती हैं और अधूरा ज्ञान तो ख़त्म ही कर डालती है, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग अधूरा ज्ञान वाले आते हैं। एक किताब, एक ज्ञान मुझे लगता है कि ज़रूरी है सिनेमा मेकिंग के लिए, और इसमें तो इन्होंने पूरी सिनेमा इंडस्ट्री रख दिया है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर, जितनी भी उसकी श्रृंखलाएँ हैं सबका इसमें समावेश है। तो मुझे लगता है ये किताब खास करके हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अभी वो हिंदी वाली दुनिया में तो मैं गया नहीं हूँ, अगर ये हमारी इंडस्ट्री में लोग पढ़ें और समझें, अमल करें इस पर, तो शायद कुछ अच्छा हो, उम्मीद कर सकता हूँ। चूँकि एक अनुभवी, एक पुराने जो जानकार लोगों ने जब इसका इसकी रचना की हो, हमारे उदय सेनापति जी, नाम से ही सेनापति जी हैं। नहीं, हम तो हमारे, जब मैं आई इस इंडस्ट्री में किताबें नहीं थी उससे, मैं और नवे नहीं, राइटर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एक्टर से संपर्क की जो भी बातें होती हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक। मुझे लगता है एक एज एन एक्टर मुझे डायरेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, राइटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन मैं राइटर हो जाऊँ ये बिल्कुल नहीं, मैं केवल एक एक्टर हूँ बस, और उसी में खुश हूँ। जानकारी हो तो बहुत कठिनाई नहीं है, अगर मुझे अभिनय आता है तो फिर मेरे लिए अभिनय सबसे आसान है, अगर नहीं आए तब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिल्म मेकिंग अगर जिसको आनी चाहिए उसको अगर आ जाए तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है रास्ता। ज्ञान हमेशा प्रकाश ही देता है, वो अंधेरे में कभी नहीं ले जाता है। प्रोड्यूसर्स को खास करके बताना चाहूँगा कि पैसे वाले ही प्रोड्यूसर्स नहीं हो जाते हैं, प्रोड्यूसर के लिए एक जो क्या पैशन चाहिए और ज्ञान चाहिए, दोनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद पैसे आते हैं। पैसे तो अरेंज भी किया जाता है फिनांसर से, लेकिन प्रोड्यूसर को ये नहीं कि केवल मेरे पास पैसे हैं मैं फिल्म बना लूँ और वो फिल्म चल जाने, पैसे से फिल्म नहीं बनती है। फिल्म बनाने के लिए जो पैशन चाहिए, जो सोच चाहिए और जो जो ज्ञान हमारे सिनेमा के लिए बनाई गई है पहले से, वो चाहिए, उसके साथ ही प्रोड्यूसर बन सकते हैं। गेटअप तो विग मेकर विग बनाता है, मेकअप मैन गेटअप देता है, गेटअप के हिसाब से ढल जाना एक काबिलियत है, तो गेटअप के साथ साथ मैं ढलने की कोशिश करता हूँ, और कितना हद तक सफल होता हूँ ये तो हमारे दर्शक निर्णय देंगे, और जो जो कहीं ना कहीं से निर्णय दे भी देते हैं कि तुम इसमें सही हो इसमें गलत हो, बाकी हम केवल अपना काम करते हैं, जो मिले ईमानदारी से उसको करते जाना, ये मेरी फितरत में है, बाकी सब हमारी किस्मत में, ऊपर वाले के हाथ में। सर, आज मैं इनको बहुत नज़दीक से आज शायद पहली बार जान पाया हूँ, ये तो ज्ञान के भंडार ही है, मैं क्या कहूँगा इनके बारे में, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ, बस इनके बारे में जानकारी मैं लेना चाहता हूँ और लूँगा मैं आगे निश्चित तौर पर, कि आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और थैंक्स उदय जी, बहुत बहुत। हमारी फिल्म लाइन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से इस बुक से ज्ञान बढ़ेगा, जितने भी नए आने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, अगर उसको वो अप्लाई करेंगे मेकिंग में तो निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है, और इसके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा उदय जी को कि उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नई बुक बनाई है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग फ़ायदा उठाएँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसको एक बार ज़रूर पढ़ें सब लोग, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी। कोई भी नई चीज़ होती है फिल्म लाइन में उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन उस पर अमल करने पर होगा। इस किताब को पढ़ें, अमल करें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, और ये बहुत अच्छी किताब है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उदय जी की, थैंक यू वेरी मच। उदय जी को तो मैं काफ़ी पहले से जानती हूँ, हमारे परिचित है, हमारा आना जाना है, लेकिन एक राइटर के नाते मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, आदर करती हूँ, चूँकि मैं भी बीइंग मतलब राइटर, मुझे लगता है कि जो भी लिखता है, जो राइटर लिखता है, वो अपनी कल्पना को पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाता है, अपनी कल्पना शक्ति के बल पे वो बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े उपन्यास और इस तरह की किताबें लिख सकते हैं। अब इस किताब में है क्या, फिल्म मेकिंग पर क्या नई चीज़ें हैं, क्या पुरानी चीज़ें हैं, क्या अच्छी क्या बुरी, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं
तो हो सकता है हमें बहुत नई नई टेक्निक, नई नई बातें हमें पढ़ने को मिले और सीखने को मिले, जो भविष्य में एक अच्छी फिल्म बनाने में हमें योगदान मिले। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही, जो फिल्मों से जुड़े इवन आप लोग भी, एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें और देखें कि इसमें क्या चीज है जो हम सीख सकते हैं और भविष्य में हमारे काम आ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं उदय सेनापति जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिल्म मेकिंग के ऊपर एक किताब लिखी। जैसे किताब के दौरान मैंने कुछ बोला भी था कि फिल्म मेकिंग में मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उनको बधाई कि उन्होंने फिल्म मेकिंग की किताब लिखी है। और दिलीप सोम साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इस किताब को आप, इस किताब से को आप गाइड की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। ये किताब में ये लिखा होगा कि आप इससे मिसगाइड नहीं हो, क्योंकि मैंने भी कहा था कि फिल्म मेकिंग के लिए पैसों की ज़रूरत है, कोई कहता है स्किल की ज़रूरत है, कोई कहता है बहुत, इसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। इससे ये पता होगा, इससे आप मिसगाइड नहीं हो सकते। तो एक अच्छी पहल है उदय जी की। और अब मुझे नहीं पता कितने लोग फिल्म मेकिंग की किताब पढ़कर फिल्म के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना जानकारी के आ जाते हैं। उन सबसे अनुरोध है कि ये किताब पढ़ें और जानकारी हासिल करें, फिर फिल्म मेकिंग में आए। सर, अभी भोजपुरी सिनेमा में आप सभी लोग हैं, जो फिल्म क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैंने ना 10 लैंग्वेज में फिल्म की है। मैंने हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मैं 10 लैंग्वेज में फिल्म की है और तकरीबन 2500-3000 एपिसोड मैंने टीवी सीरियल काम किया है। भोजपुरी फिल्मों में मैं सक्रिय बहुत साल पहले से था। मेरे ख्याल से 2010-11 से मैंने भोजपुरी फिल्में करना शुरू कर दिया था। अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई, एक अभय सिन्हा साहब की चैलेंज फिल्म। अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छा रोल होता है तो मैं करता हूँ। और हम एक्टर लोग अच्छे रोल के भूखे होते हैं कि अच्छा काम मिल जाए, क्योंकि ना पैसे हमको कितने मिलने वाले हैं ये तो हम बताने वाले नहीं हैं आपको कैमरे पे। तो अच्छा रोल दिखता है, पैसे कितने मिले वो दिखता नहीं है आपको। तो अच्छा रोल होता है, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा में हो, हम अच्छा रोल होता है तो हम करते हैं। हम उस एक्टर सब उसी के भूखे होते हैं, कोई भी, हर एक्टर। तो हमको अच्छे अच्छे रोल मिले भोजपुरी में, हम अच्छा अच्छा काम करेंगे भोजपुरी। भोजपुरी भी तो सिनेमा है, एक सिनेमा है। और तकरीबन हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा तबका, मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा के ज्ञाता है, जो भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। बहुत बड़ा तबका है, ये साउथ से भी बड़ा तबका है भोजपुरी। तो उसमें काम करना मेरे लिए गौरव की बात है। ऐसे तो एक बुक में सबमिट ही नहीं जा सकती, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस और काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमने जो ये बुक की है लिखी है, एक सराहनीय कदम है कि इसको फिल्म मेकिंग भी जो बुक पढ़ के सब समझे कि फिल्म मेकिंग एक्चुअली है क्या। फिल्म मेकिंग एक दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बताते हैं तो पता चलता है कि इसमें एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ सब पे ध्यान होता है। क्या कहते हैं, कितना उपयोगी होगा जो लोग आना चाहते हैं फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में? इंसान जब जन्म लेता है और जब पढ़ाई करता है तो सबसे पहले उसे ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान इस बुक में दिया गया है तो शुरुआत में पहला जो चैप्टर है इसे पढ़ के इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उपयोगी होगा मेरे हिसाब से। अभी मैंने इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छा और बहुत अच्छा होगा। किसी भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इससे पहले मैं उदय सेनापति जी को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ इस किताब के लिए कि उन्होंने एक नई सोच, मतलब लोग किताब तो बहुत सारी थीसिस लिखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं, उन्होंने एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई टॉपिक लिया है, तो बहुत ही अच्छा है और मैं भी इस किताब को ज़रूर पढ़ूंगी। और जहाँ तक आपने डायरेक्शन की बात की है, तो बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को डे बाय डे या स्टेप बाय स्टेप करना, तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो
नमस्कार, मैं दामोदर राव, आज बड़ा ही सुंदर माहौल है, मौका है, आज उदय सेनापति जी का आज बुक जो है फिल्म मेकिंग का नाम है, फिल्म मेकिंग का आज विमोचन हुआ। फिल्म बनाने में इसकी बड़ा ये गाइडलाइंस काम करेगा, ये किताब इसमें पढ़ने पर काफ़ी जानकारी मिलेगी और काफ़ी बातें हो चुकी है इस विषय पर कि फिल्म बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। पैसों का तो खास अहमियत है, पैसा बिना तो आजकल खासकर मुंबई में कुछ भी नहीं हो सकता, बिना पैसा का तो कुछ भी संभव नहीं है, खासकर दिल्ली या दिल वालों का, मुंबई या पैसे वालों का, तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है, साथ में जानकारी जरूरी है कि फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, म्यूजिक, एडिटर, हीरो हीरोइन कहाँ कैसे पैसा देना है, कहाँ लोकेशन क्या है, उसका ड्रेस मटेरियल क्या है, सब जानकारी के लिए इस बुक में सब आपको मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ सेनापति जी को, ये पुण्य का काम करके मैं भारतीय लोगों के लिए एक बड़ा सार्थक सिद्ध होगा, बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें जो नए लोग आते हैं और पैसा उनका कटा जाता है, पैसा रहते हुए भी जानकारी नहीं रहती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है, ये अच्छा काम हुआ, आज इतने लोग आए, सबकी शुभकामनाएं उनको हम लोग दे रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा काम हुआ। अब देखते हैं किताब पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ है, विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे काफ़ी अच्छा रास्ता मिलेगा पढ़ने के बाद, और भटकते हुए जो जो लोग हैं उनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद उदय जी को, जो ये सोचा उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ क्या फिल्म मेकिंग के बारे में किताब लिखना, ये आज तक इंडस्ट्री में किसने सोचा नहीं, क्योंकि उदय जी ने सोचा, ये तो अच्छी बात है और हमें खुशी हो रही है और इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, कोई नई चीज़ पेश कर रहे और इतने नए जनरेशन हैं जिनको समझ नहीं है, गांव गांव के लोग फिल्म मेकिंग के लिए आते, पैसा लेके आते, डूब जाते, उनके लिए एक नया सीख है। थैंक यू। हाय, दिस इज त्रिशा खान एंड वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच दैट उदय सेनापति जी इनवाइटेड मी इन दिस प्रोग्राम। सो मैं इस लॉन्च में आके, इस बुक का लॉन्च में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली फिल्म मेकिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम लोग बॉम्बे आए थे या जब गांव से आते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको फिल्म मेकिंग के बारे में पता नहीं होता, विदाउट एनी नॉलेज बहुत लोग आते हैं। एंड बातें उठी थी इधर की पैसा इम्पोर्टेंट है कि क्या इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है जैसे कि पैसे इम्पोर्टेंट है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पैसे हमेशा सही जगह लगते हैं, पैसा यूटिलाइज करने का भी वे होता है। तो फॉर दिस रीज़न फिल्म मेकिंग सब्जेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पैसा सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरे तरफ से उदय सेनापति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे बहुत सारे किताब वो लिखे जिससे हम लोगों को नॉलेज मिले और आने वाले सभी लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको नॉलेज मिले एंड गाइडलाइन मिले। कास्टिंग वाउचर, हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये बहुत आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव एक्चुअली, बट अभी तक मैं 3 साल से हूँ बॉम्बे में और मैंने काफ़ी सारा बंगाली आसामीज मूवी किया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं बहुत नई हूँ, वेरी न्यू कमर, बट अभी तक मुझे पर्सनली मुझे मेरा एक्सपीरियंस कह रही हूँ, आई नेवर गेट एनी वर्क विथ एनी कास्टिंग टीम। मुझे कोई कास्टिंग एजेंसी ने आज तक कोई काम नहीं दिला सका है। हाँ, बोलते हैं, बुलाते हैं, बट अल्टीमेटली काम नहीं होता है, मतलब मेरा तो नहीं हुआ अभी तक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। उदय सेनापति जी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत काबिल जर्नलिस्ट हैं, उनके 2 मैगजीन्स चल रहे हैं ऑलरेडी कई सालों से, हम अच्छी तरह से उनको जानते हैं। उनकी लाइफ मुझे लगता है कि 35 से 40 साल इंडस्ट्री के लिए बिताया उन्होंने, और आज ऐसा मौका आया है कि जब इंडस्ट्री को समझ लिया उन्होंने, उसके बाद इंडस्ट्री को बताने के लिए उन्होंने एक बुक पब्लिश किया है जो फिल्म लाइन की एक छोटी छोटी बारीकियाँ उसमें प्रस्तुत है, और उससे बड़ी बात यह है कि सर उस चीज़ को चलचित्र में परिवर्तित करने खुद ही जा रहे हैं।
कुछ लोग हैं जो स्टडी करके नहीं पढ़ सकते उसको, हाँ उनकी बुक जो इंग्लिश में है, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि सर भारत की जनता जो है यहाँ कम से कम 50-60% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पब्लिक के पास लाइए। तो उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि बहुत जल्द इसका हिंदी वर्जन में लाने वाला, और ये इम्पैक्ट तब आएगा सर कि जब इसको चलचित्र में परिवर्तित करके वो ऐसे फिल्म के माध्यम से बताना चाहता है कि लिखी हुई चीज़ें हर कोई लिख सकता बंद कमरे में बैठ गए, लेकिन उसको चलचित्र में परिवर्तित करके लोगों तक पहुंचाना कि एक इंडस्ट्री में डायरेक्टर का जर्नी क्या, क्योंकि ये डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ फिल्म, तो वो जो बुक के अलावा जो फिल्म बना रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है सर, और उनका जो नॉलेज है 40 साल का इंडस्ट्री का, 35-40 साल का, वो जब लोगों को दर्शाएंगे उससे मुझे लगता है कि हमारे देश के जितने भी लोग जुड़े इंडस्ट्री से, जो नहीं जुड़े इंडस्ट्री से, सबको इंडस्ट्री की सच्चाई मालूम पड़ेगी, एक फिल्म बनाने में एक डायरेक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या उस फिल्म से जुड़े जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको क्या क्या पाकर चलना पड़ता है, कितनी मजबूरियों से एक फिल्म को मार्केट में ला के पब्लिक के बीच पहुँचाया जाता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर है। मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा और काफ़ी आसानी महसूस होगा एक फिल्म बनाने, तो इसलिए उदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस बुक का लोग फ़ायदा उठाएं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हर तरह के लोग। और उदय सेनापति जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे बुलाया, इसका भी समझा, और ऑल द बेस्ट सर आपके बुक के लिए एंड आपकी मूवी के लिए, थैंक यू। आज उदय जी के इस इवेंट में आ गए मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एक ड्रीम था हम लोगों का कि फिल्म मेकिंग का जो बेस है वो लोग जाने, और उन्होंने उस चीज़ को इतना खूबसूरत ढंग से अपनी किताब में वर्णन किया है, कम से कम लोगों को इस चीज़ को जानना चाहिए। उदय जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत जुनूनी और बहुत ही गहरी सोच रखने वाले इंसान हैं वो, और मुझे उम्मीद है कि वो अब जो फिल्मों का उन्होंने मुहूर्त किया है लोगों को दिखेगा कि उनकी सोच, उनकी गहराई कितनी ज़बरदस्त जगह।